फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीकेंड ब्लॉग। सो मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए और मैं रेडी होके जा रही हूँ फिर से और एक न्यू स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। ऑलरेडी इसका स्ट्रीट शॉपिंग मेरा यूट्यूब में अपलोडेड है, बट फिर भी मैं फिर से उस जगह पे जा रही हूँ, तो फिर सोची कि मैं क्यों ना ब्लॉग बना दूँ। तो फिर वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मैं कहाँ गई थी और मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, और वीडियो के एंड तक आपको पता भी चल जाएगा कि मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ। बट ऐसे भी मैं बोलूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो जयनगर गई थी घूमने के लिए स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, ऑलरेडी बहुत सारा सामान खरीद के लेके आई हूँ। बट अभी कुछ खरीदना है नहीं, बट फिर भी मैं जा रही हूँ। मतलब देखिए, सोच रही होगी मैं ऐसे क्यों ढकी हुई हूँ, बाहर बहुत धूप हो रहा है, आप देख सकते हैं बाहर बहुत धूप हो रहा है, इसलिए गर्मी से बचने के लिए इसी हालत में है हम दोनों, इन्होंने भी। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग मेट्रो ले लिए थे और मेट्रो के अंदर का ये जो व्यू था मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा था, तो मैं थोड़ा इसका शूट कर ली थी। फिर ये रहा बाहर का व्यू जो भी बहुत ही सुंदर, मेरा आइसक्रीम और ये रहा उनका हैप्पी। कितना हैप्पी हो आप आइसक्रीम खा के। सो एम जी रोड के मेट्रो स्टेशन में उतरने के बाद हम लोग को मिल गया था आइसक्रीम, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से आइसक्रीम खा लेते, फिर ले लेते ऑटो, फिर जाने के लिए कमर्शियल स्ट्रीट। सो कमर्शियल स्ट्रीट में पहुंचने के बाद हम लोग को मिल गया था ये शॉप, और ये शॉप में हम लोग हमेशा रेगुलरली जाते हैं। और अभी जो भैया दिखा रहे हैं जो ड्रेस, ये वन पीस स्लीवलेस ड्रेस है और ये फुल लेंथ में आता है, जो कि ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। और इसमें भैया वैरायटी डिज़ाइंस, वैरायटी कलर्स, वैरायटीज में दिखा रहे थे और वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। उसके बाद दिखाए ये वाला कुर्तीज, ये कॉटन में है, सब कॉटन। हाँ, ये जीन्स के साथ अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा प्रिंट है, ये भी अच्छा है। बस भैया और मेहनत मत करिए ना। बस अच्छा है ये भी। थैंक यू सो मच भैया। ये है बहुत सुंदर सा क्रॉप टॉप, और इधर है अलग अलग वैरायटी डिजाइन्स में, ये रहा और एक डिफरेंट डिजाइन में, इसका कलर भी बहुत प्यारा सा है। उसको छोड़ के इधर भी बहुत सारे डिज़ाइंस में है, ये तो रहा टी शर्ट डिज़ाइन में, ये भी बहुत अच्छा सा है, प्यारा सा भी है, सुंदर सा भी है। हाँ, ये थोड़ा प्रिंटिंग में भी है, ये भी अच्छा है, और ब्लैक कलर का वो, और रहा स्लीव्स में, इसको उठा देते हैं। ये रहा स्लीवलेस में सारा, ये भी स्लीवलेस में अच्छा है, ये भी प्योर कॉटन में है, 100% प्योर कॉटन। और इधर ये भैया के दुकान में आपको बहुत सारे कलेक्शंस मिल जाएंगे कमर्शियल स्ट्रीट में। इस भैया कौन सा रोड भैया, डिस्पेंसरी रोड में आप आना, और इधर आपको मिलेगा एक बढ़िया सा ट्रायल रूम, ट्रायल करते हुए आप अपना मन पसंद का सामान, ड्रेसेस, टॉप्स, जीन्स और डेनिम का जैकेट, डेनिम जैकेट भी बता दो, शर्ट्स सब कुछ ले सकते हैं। ये रहा वैरायटी शर्ट्स में, ये रहा डेनिम का जैकेट्स, और ऊपर से उसमें कलर, स्टार्टिंग 450 डेनिम जैकेट बोल दो, स्टार्टिंग प्राइस ओनली 450 है, भैया ने कंफर्म करके बोला, आप आओ और जितना चाहे उतना खरीद के ले जाओ, और स्टार्टिंग मात्र ओनली 450 में है। और इधर बढ़िया सा एक ट्रायल रूम है, और ट्रायल रूम में मिरर भी है, आप अपने हिसाब से देख के खरीद के ले के जा सकते हो। इधर पूरा जो ये कलेक्शन देख रहे हैं, ये स्मॉल से लेके 5XL तक सारा का सारा कुर्तीज, हर एक डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट कलर्स में, चिकन करी के साथ, चिकन करी में भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि कुर्तीज़ है, वेस्टर्न ड्रेस में भी आपको मिलेगा हर एक टाइप का, फ्रॉक्स एंड ऑल सब कुछ मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ शॉप का नाम क्या है, वर्सिधी फैशंस। और इधर उनका आउटलेट देख लीजिए, इधर ऐसे मैनिक्विन सब हैं, और इनके फ्रंट में ये प्लाजा है, और उसके सामने फाइन आर्ट का एक शॉप है, ये लोकेशन आप अच्छे से देख लीजिए। हाँ, और ये रहा शॉप, शॉप के अंदर जाते ही आपको सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में आपको मिल जाएंगे।
पिक एनीथिंग 400। चलो चलो चलो। सो फ्रेंड्स, इधर हम लोग को वेरमुड़ा का एक मिला था फैक्ट्री आउटलेट, जहाँ पर एनीथिंग एवरीथिंग 400 में मिल रहा था, जो कि सारा टॉप्स थे, जीन्स थे, स्कर्ट्स थे, एवरीथिंग। बट विंटर वेयर कुछ कुछ थे, जैकेट्स वगैरह थे, जो कि थाउजेंड्स में आ रहा था और बहुत ही अच्छे कलेक्शंस थे। तो उधर से कुछ कुछ देख के हम कुछ खरीदे नहीं, फिर हम बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद देख रहे थे इसे स्ट्रीट शॉपिंग, इधर एक बैग का शॉप मिला था जो कि बैग्स का कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। उसके बाद आप जैसे देख रहे हो साइड में कुछ खाने पीने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप शॉपिंग करते करते ढूंढते ढूंढते चलते चलते अगर थक गए, आप कुछ खाना पीना भी खा सकते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते गए रोड साइड में, दोनों साइड में रोड के इतने सारे शॉप्स थे और इतने सारा भीड़ भी लगा हुआ था और इतने अच्छे अच्छे आई कैचिंग चीज़ें थे कि हमारा नज़र तो बार बार जा रहा था देखने के लिए। और मैं वीडियो शूट करने के लिए मुझे बहुत सोचना पड़ रहा था कि हाँ मैं इधर शूट करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत सारे शॉप्स में वो लोग अलाउ नहीं करते हैं शूटिंग करने के लिए, बट फिर भी हम कर लेते हैं। अगर किसी का परमिशन मिल जाए तो फिर वो तो और ही अच्छा बात है, अगर नहीं परमिशन देते हैं तो फिर हम इसे ही शूट कर लेते हैं। तो फिर इधर हम ये रोड साइड में ढूंढते ढूंढते आगे जाते जाते हम लोग को और एक शॉप मिला था, जहाँ पर टॉप स्टार्टिंग हो रहा था, स्टार्टिंग प्राइस था 99 में, जो कि बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बहुत ही अच्छा था। ऐसा नहीं कि आपको हर एक शॉप में आपको अच्छे से हर एक चीज़ अच्छा कलेक्शन मिलेगा, अच्छा मिलेगा, आपको बहुत ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के जाना है। इधर इस शॉप का बैग्स का कलेक्शंस भी बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम लोग को मिला था इसे ही रोड साइड में और एक शॉप, जहाँ पर 100 रुपीज़ में इसे चिल्ला रहे थे भैया लोग, जो शॉपकीपर्स हैं वो बहुत चिल्ला रहे थे। फिर हम लोग चले गए थे उधर, कलेक्शंस तो अच्छे थे, विंटर वेयर आ रहा था और वो सब मिला था 100 और 150 में और 200 के अंदर ही, बट बहुत चुन चुन के लेना पड़ेगा। तो फिर हम उधर से आ गए। फिर इधर से मिला एक शॉप जो कि ब्लाउजेस का था, और इधर ऐसा था कि आप तुरंत ही आप ऑर्डर दोगे तो वो तुरंत 2 आवर्स में ब्लाउज अपने हिसाब से डिज़ाइनर ब्लाउज करके दे देंगे। फिर लोग हम लोग ऐसे ही ढूंढते ढूंढते आगे गए थे और इधर एक भैया मिले थे जो पूरा बेंच के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे थे 100 रुपीज़ में जो भी है, जो भी ड्रेसेस है, कुर्तीज है, टॉप्स है, ले जाओ करके। फिर इधर उसके बाद हम लोग को मिला था इधर ही एक स्टॉल का शॉप, जहाँ पे इतना अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्टॉल्स थे, बहुत ही अच्छा था, और दैट भी 150 रुपीज़ में। उसके बाद फिर हम लोग चले गए ये एक शॉप में, उधर बस देख के घूम के आ गए थे। इधर ऐसे ही रोड साइड में ऐसे ड्रेस ड्रेसेस इतने सारा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा लूँ। हर एक शॉप में ऐसा कलेक्शंस रहता है कि नज़र नहीं हटते हैं, और देखने के लिए कुछ खरीदे या ना खरीदे बट देखने के लिए इसे चले जाते हैं और देख के अच्छे से देख के पूछ के फिर बाहर आ जाते हैं। फिर अगर पसंद आया तो टायर्ड हो चुके हैं और हम लोग ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए हम लोगों को, कुछ मिल नहीं रहा है और ढूंढते ढूंढते हाल हो गया है। और जितना भी शॉपिंग करो ना, लड़कियों का शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है, बहुत शॉपिंग कर चुके हैं। और मैं अरे रमे मैम ये वाला शॉप जाए क्या? नहीं बस हो गया मेरा US पिज़्ज़ा। ओ ग्रेट, हम लोग को फाइनली US पिज़्ज़ा मिल गया है, हम अभी जा रहे हैं खाने के लिए, फिर बाद में आप लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ। चलिए बाय 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 बाय। सो बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक के साथ हम लोग अपना पिज़्ज़ा खाए, पेट पूजा कर लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही भूखे थे और बहुत टायर्ड भी हो चुके थे। और बहुत ढूंढने के बाद भी हम लोग को मिल गया था ये US पिज़्ज़ा ही, और US पिज़्ज़ा थोड़ा आज का डिफरेंट रहता है, मुँह में पानी आना चाहिए। मैं तो फूल बीजी थी खाना खाने में, क्योंकि बहुत ही अच्छा म्यूज़िक चल रहा था और बहुत थक भी गए थे, घर से कुछ खाते हुए गए थे और लास्ट टाइम हम आइसक्रीम खाए थे, और मैं तो फुल ऑन बिजी थी खाना खाने में, और टेस्ट के बारे में तो मैं भूल ही गई थी कि मैं क्या टेस्ट करूं, बट बहुत ही अच्छा था। सो फ्रेंड्स, खाना खाते खाते हम लोग बहुत लेट हो गए थे, रिटर्न जा रहे थे। फिर रिटर्न जाने के टाइम में हम लोग को इधर एक शॉप मिला जो कि बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था,
जहाँ पर हमको नेकलेस, इयर रिंग्स, क्लिप्स, बैंगल्स सब कुछ हर एक डिफरेंट डिजाइंस में था। अभी जो दिखा रही हूँ ये सबसे क्यूटेस्ट चीज़ था उधर, जो कि इयर रिंग्स था, जो कि 3 सेट्स 4 सेट्स में आता था, जो कि बहुत ही सुंदर था। फिर हम लोग उधर से देखते हुए आगे चले गए और आगे जाने के बाद ऑटो ले लिए थे। ऑटो लेने के बाद ऑटो से हम डायरेक्ट पहुँच गए थे मेट्रो में। मेट्रो में हम लोग को वेट करना पड़ा था, मेट्रो के लिए हम लोग को बस में नहीं मेट्रो में थोड़ा सीट मिल जाए, क्योंकि ये वाला मेट्रो लाइन में हमारा बहुत ही रश रहता है। हालत क्या खराब हो गया है चेहरा का, इनका तो लिपस्टिक उड़ गया है, मेरा तो पूरा पसीना हो गया है। कोई नहीं, घर पहुँचने तक जिंदा रहना है उतना ही काफ़ी है। मेट्रो के बाद हम लोग ले लिए थे कैब, बट बहुत ही ट्रैफिक था। तो चलिए ट्रैफिक के बारे में रमा मैम के मुंह से कुछ सुनते हैं। आप लोग को पता है हम लोग अराउंड 2 o'clock गए थे, हाँ 2 o'clock अराउंड गए थे, और अभी टाइम क्या हो गया है मैं अभी बता भी नहीं सकती, क्योंकि अराउंड 11:30 हो चुका है, क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक इज़ लाइक हेल इन सैटरडेज़। सैटरडेज़ को इतना ट्रैफिक रहता है कि मैं बता भी नहीं सकती रात को 11 बजे कितना ट्रैफिक था। और अगर बैंगलोर से कोई भी मेरा वीडियोज़ देख रहे हो, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सैटरडेज़ को घर से ना निकलो। अगर इफ़ इन केस आपको कहीं जाना है, घूमने जाना है या कहीं शॉपिंग के लिए भी जाना है, आप मेट्रो से जाओ, मेट्रो से आ जाओ और जल्दी आ जाओ। अगर आप गलती से बाई बस और बाई ऑटो या कैब बुक कर लिए हो तो पूरा का पूरा टाइम ट्रैफिक में जाएगा और रात को 11 बजे भी बहुत ही लंबा ट्रैफिक रहता है। तो छोड़िए उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तुरंत आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। मैं आप लोगों को तुरंत दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। हम लोग ज़्यादा शॉपिंग नहीं किए हैं, जैसे कि मैं बोली थी लास्ट टाइम जयनगर से हम लोग बहुत सारा शॉपिंग किए थे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एक रहा ब्यूटीफुल सा श्रग, देखो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये वेस्टर्न और एथनिक के ऊपर भी इस ये जो श्रग है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये प्राइस इसका ओनली 200 था। आप लोगों को जैसे दिख रहा है, देखो कैसे इसका है। हम लाए हैं ये एक सुंदर सा टॉप, प्योर वाइट कलर का, फुल नेक हाई नेक का है। उसको छोड़ के ये एक हमारा एक वन पीस फ्रॉक जैसा है, फुल्ली स्लीवलेस है और ये कंप्लीट फुल लेंथ में आता है। इसका कलर थोड़ा सा मतलब वाइट कलर और ये थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन कलर का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये हो गया एक। उसके बाद इधर 2 जीन्स है, जीन्स के बारे में क्या बताऊँ आप लोगों को, तो पता ही होगा। और ये एक वाइट कलर का जैकेट है, जो जिसको मैं एथनिक और वेस्टर्न दोनों में पहनने वाली हूँ। ये एक जीन्स लाई हूँ, ब्लैक कलर का जीन्स ऑलरेडी मैं क्या। फिर ये एक ड्रेस हो गया, मैं आप लोगों को दिखाई थी शायद जयनगर वाला शॉपिंग में। सेम टू सेम हम एक ड्रेस लाए हैं। अगर आप लोग जयनगर वाला शॉपिंग हॉल क्या था, कैसा था, क्या क्या खरीदे थे, अगर मिस कर दिए हो जाके तो उसको भी आप देख सकते हो। और ये ड्रेस अनारकली ड्रेस सेम टू सेम टाइप का है, हमको ये पसंद आया था तो हम इसको भी ले आए थे कमर्शियल स्ट्रीट से। तो ये हो गया ब्यूटीफुल सा 2 इयररिंग्स। अगर आप को इस इयर रिंग्स का प्राइस जानना है तो आपको मुझे कमेंट में पूछना पड़ेगा, मैं अभी नहीं बताऊंगी। ये हम लोग को बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिला है, अगर आप देख सकते हो तो। देखिए ये प्योर वाइट कलर और सिल्वर कलर का कम्बिनेशन है और ये ब्लैक कलर का कम्बिनेशन है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई कमर्शियल स्ट्रीट जाए है, गए हुए हैं, जा चुके हैं, तो फिर उन लोगों को ये इयर रिंग्स का प्राइस पता होगा, बट मैं नहीं बताऊँगी। अगर आपको जानना है तो कमेंट में बता दीजिएगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सुंदर सा स्कर्ट लाइन में ब्लैक कलर का। हाँ, सब कुछ ख़त्म इतना ही, बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं खरीदी हूँ, जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, देखो फ्रेंड्स ये मेरे पास क्या है। एक है, ये 2 है, अब यार तो टूट ना जाए, 2 है,
और एक ये तीन है। देख सकते हो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, बहुत अच्छा है। ये जो चीज़ें कमर्शियल स्ट्रीट में नहीं, चर्च स्ट्रीट में भी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर आप जितना बार्गेन करके ला सकते हो आपके ऊपर है, बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड्स ये कैसा था आप मुझे बताइएगा, और कमर्शियल स्ट्रीट का शॉपिंग हॉल मेरा कैसा था, कैसा नहीं था, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, जयनगर वाला स्ट्रीट शॉपिंग या कमर्शियल स्ट्रीट शॉपिंग। तो मिलती हूँ आप लोग के साथ और एक वीडियो में, और एक न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आइदर वो शॉपिंग भी हो सकता है, आइदर कुछ रेसिपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरे इस चैनल में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो रहती हूँ, तब तक मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरे इस वीडियो को एक लाइक तो पक्का दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे मैं जहाँ तक मैं एनालिसिस करती हूँ, आप लोग मेरा वीडियोस को देख लेते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, नहीं लाइक भी करते हो, बट देख लेते हो, अच्छे से व्यू कर लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ, तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।